गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द टेस्ट ऑफ सम्मी किचन। सो फ्रेंड्स, आज मेरे किचन में बनने जा रहा है पास्ता। तो देखिए कितना बन के यम्मी हुआ है रेडी, तो देख सकते हैं आप। इसी तरह से हम देख चलते हैं बनाने की प्रोसेस में। तो यहाँ मैंने एक गमला लिया है और उसमें मैं 4 कटोरी पानी मैंने यहाँ डाला है और 250 ग्राम का पैकेट मैंने इसमें एक पैकेट लिया है पास्ता का, और इसे मैं बॉयल कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जब हम बॉयल करेंगे इसे तो पानी इतना लेना है अपना कि आपका पास्ता इसमें अच्छे तरीके से अंदर चला जाए और थोड़ा सा पानी ऊपर भी आए। तो देखिए, अब मैंने इसे फ्लेम को हाई रखा है, तो देख सकते हैं आप। और इसे हम 15 से 20 मिनट तक बॉयल करेंगे, और 15 से 20 मिनट तक आप इसे चलाइए और बीच बीच में चेक करते रहें कि ये पका है या नहीं, बॉयल हुआ है या नहीं अच्छे तरीके से। तो देखिए, मैं इसे बीच बीच में चेक कर लूँगी। तो देखिए 10 मिनट्स हो गए हैं, अब एक बार मैं इसे देख चेक कर लेती हूँ। तो अभी ये देख के ही लग रहा है कि अभी नहीं पका है, तो 5 मिनट्स मैं और थोड़ा देखूँगी, उसके बाद मैं निकाल के देखूँगी कि ये अच्छे तरीके से बॉयल हुआ है कि नहीं। तो अभी बीच बीच में चेक करते रहें इसी तरीके से। तो देखिए, अब करीब करीब 20 मिनट्स के करीब होने जा रहा है, 15 से 20 के करीब। तो देखिए, यहाँ मैं चेक कर रही हूँ उंगलियों से, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है पास्ता। और अब मैंने इसे छान के पानी में अच्छे तरीके से धो के फ्रेश रख लिया है पास्ते को एक साइड में। और अब मैं इसकी ग्रेवी बनाऊँगी और इसे वेजिटेबल्स के साथ सॉटे करूँगी और इसमें वेजिटेबल मिक्स करूँगी। तो देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है ग्रीन चिली सॉस और सोया सॉस, डार्क सोया सॉस, और यहाँ टोमेटो सॉस मैंने लिया है, रिच टोमेटो सॉस, केचप लिया है यहाँ मैंने, इसमें मैं केचप का यूज़ कर रही हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये तीनों इसमें लगेंगे और थोड़ा सा विनेगर होगा, तो विनेगर भी आप इसमें डाल सकते हैं, उससे काफ़ी खट्टापन आता है और टेस्ट फ्लेवर काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से, मैं थोड़ा सा नमक भी ले रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डालूँगी। यहाँ मैं प्याज काट के रख ली हूँ और लहसुन गार्लिक को भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, और पत्ता गोभी मैं इसे कढ़ाई में, मैंने यहाँ तेल गर्म कर लिया है एक जगह, और इसे मैं पत्ता गोभी को अपना सॉटे करूँगी। तो बहुत ज़्यादा हमें सॉटे नहीं करना है, नहीं तो इसका फ्लेवर चला जाएगा। फ्राई नहीं करना है हमें, हल्का भूजना है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसमें इसे सॉटे करूँगी, कैबेज को, पत्ते गोभी को, और इसमें मैंने जो लहसुन कट करके रखा था उसे भी मैं डाल दूँगी और फिर से इसे चलाऊँगी। तो इस तरीके से देखिए, मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ, चला देती हूँ। तो एक बार आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। और जितनी वेजिटेबल्स आपके पास होंगी, आप चाहे तो गाजर डाल सकते हैं, शिमला डाल सकते हैं, जो भी घर में अवेलेबल रहे सब्जी वेजिटेबल, उससे आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए, अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ और प्याज डाल के मैं इसे भूजूंगी, अच्छे तरीके से सॉटे करूँगी, तो इससे भी इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। तो थोड़ी देर मैं इसे प्याज को भी सॉटे करूँगी, और अब मैं इसे यहीं पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। तो यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है मैंने, तो देख सकते हैं आप इस तरीके से। थोड़ा मैं भूज लूँगी तो ये सब्ज़ी थोड़ी सी और गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे जो मैंने नमक डाला है। तो देखिए, थोड़ी देर के बाद इसका कलर थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें सॉसेस डालेंगे, तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। सॉस यहाँ मैं डाल दूँगी, सबसे पहले मैंने यहाँ टमाटो सॉस डाला है, टमाटो केचप, आप चाहे तो सॉस भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ केचप का यूज़ किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सोया सॉस टेस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ मैं 2 चम्मच के करीब सोया सॉस डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि इससे भी इसका फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाता है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही 1 चम्मच के करीब यहाँ पे चिली सॉस मैंने डाला है। तो अब मैं सारे सॉसेस को मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से, और जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो इसमें मैं पास्ता डाल देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें पास्ता डाल दिया है, और पास्ता डाल के मैं इसे थोड़ा सा मिक्स करूंगी। और ये जब हम मिक्स करेंगे इसे, तो फ्लेम को थोड़ा लो रखेंगे, क्योंकि जलने का डर रहता है। सारे मसाले हमारे अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं वेजिटेबल्स। तो देखिए
5 से 6 मिनट इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे लो फ्लेम पे और तब गैस को हम ऑफ़ कर देंगे। तो खूब अच्छे तरीके से इसे मिलाना है हमें। तो देखिए कितना अच्छा टेम्पटिंग इसका कलर आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, गार्लिक की खुशबू, गार्लिक का एक अलग ही टेस्ट आ जाता है इसमें। तो देखिए काफ़ी अच्छी सी खुशबू शुरू हो गई है देना, और आप चाहे तो इसमें ऊपर से आप जो भी सॉस आपको पसंद आए वो आप लेके खा सकते हैं, और बच्चों को तो ये काफ़ी पसंद आती है, मेरे घर में बच्चे इसे टिफ़िन में लेके जाते हैं और मुझे भी ये काफ़ी पसंद है और बड़े बूढ़ों को भी काफ़ी पसंद आता है ये पास्ता। तो आप एक बार ज़रूर बनाएं, और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो एक बार फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करें और घर पे बनाएं, खाएं, सबको खिलाएं और तारीफ पाएं। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये, तो देख सकते हैं आप, एक बार आप ज़रूर बनाएं, काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है ये। और देखिए मैं इसे दिखाती हूँ आपको पास से, तो ये एक चम्मच आप भी ज़रूर ट्राई करें और काफ़ी आपको टेस्टी लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू, बाय बाय बाय।